खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। घड़ियालों का नेस्टिंग टाइम पूरा हो चुका है और चंबल नदी की बजरी में इनके अंडे मादा घड़ियाल ने दबा दिए हैं। अब मादा घड़ियाल उनकी सुरक्षा के लिए भी घोंसले के पास चौकीदारी करती है। जलीय जीव जानकर कहते हैं कि मादा घड़ियाल दिन रात पानी से निकलकर घोंसलों की रखवाली करती है। वहीं अंडों से बच्चे निकलने के बाद मादा घड़ियाल बच्चों के बड़े होने तक सुरक्षा करती है और किनारे पर ही उन्हें पालती है। घड़ियाल विशेषज्ञ ज्योति डंडोतिया ने बताया कि घड़ियाल मार्च अप्रैल में अंडे देते हैं। इनमें एक मादा घड़ियाल 18 से 50 के बीच अंडे देती है, जो कि चंबल किनारे ही रेत में अंडों को दबा देती है। डंडोतिया ने बताया कि अंडों से बच्चे मई के अंतिम सप्ताह और जून के अंतिम सप्ताह तक निकलते हैं, यानी कि 60 से 65 दिन में बच्चे निकलते हैं। मई में घड़ियाल के अंडों का संग्रहण कर मैनेजमेंट प्लान के तहत 200 अंडे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से लाकर देवरी सेंटर में लाए जाएंगे, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और वन कर्मियों को ट्रेंड कर दिया है। यहां कृत्रिम तरीके से 200 अंडों को हैच कराते हैं और पालते हैं। बाकी अभयारण्य में बचे बच्चे अंडों को नेचुरल आवास में उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ रक्षा की जाती है, जैसे कि बाड़ाबंदी और चौकीदार लगाकर देवरी घड़ियाल ने सेंटर में पल रहे घड़ियाल के सभी बच्चों को नदी में छोड़ दिया गया है। इनको 20-20 की संख्या में दो बार चंबल में छोड़ा है। चंबल नदी के किनारे रेत में जहां मादा घड़ियाल अंडे देती है, वहां से अंडों को इकट्ठा करके घड़ियाल देवरी सेंटर ले जाया जाता है। वहां इनकी हैचिंग भी की जाती है। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।